जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे, क्या कह रहे हैं आइए सुनवाते हैं आपको। मेरे बहनों और भाइयों, मैं हमेशा कंकाली मैया की पूजा करने आता हूं और मैं सच कहता हूं मां के दरबार में। मुख्यमंत्री इसलिए नहीं हूं कि सत्ता के सिंहासन पर बैठ के केवल आनंद उठाऊं, जनता की बेहतर से बेहतर सेवा कर पाऊं, इसलिए मैं मुख्यमंत्री हूं। मुझे कंकाली मैया ने यही कहा है कि तेरे लिए तो तेरी जनता ही भगवान है, जनता की सेवा मेरे लिए मां की पूजा है। बहनों भाइयों, मां की पूजा है। मैं हमेशा कहता हूं मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली ये जनता ही मेरी भगवान है और ये जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। और इसलिए हमने कई तरह के प्रयत्न किए हैं। एक तरफ समाज की मानसिकता बदलने की कोशिश की। आज मैंने अपनी बहन के पांव धोए, चरण पखारे, पानी माथे से लगाया। ये मैं क्यों करता हूं? इसलिए करता हूं कि पूरे समाज में एक संदेश जाए कि मां बहन और बेटी, इनके सम्मान के बिना दुनिया नहीं चल सकती। मुझे याद है मेरे भाइयों और बहनों, जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना था उस समय मध्य प्रदेश में शहडोल की बात नहीं कर रहा, मैं केवल शहडोल जिले की बात नहीं कर रहा, यहां तो बेटियों से बहुत मार करते हैं शहडोल वाले, लेकिन कई जिले ऐसे थे जहां बेटा ज्यादा पैदा होते थे, बेटियां कम पैदा होती थी। और हालत यह हो गई थी कि कई बार बेटियां, अगर पता चल जाए कि मां के कोख में पलने वाली कौन है बेटा की बेटी, तो बेटी हो बेटा हो तो आने दो, स्वागत करो, और बेटी हो तो कोख में ही मार डालो, पैदा ही मत होने दो। ये पाप हुआ है, ये पाप मध्य प्रदेश की धरती पर ही हुआ है। और तब मन में वेदना और पीड़ा होती थी कि हे भगवान, कैसा अन्याय है, बेटे को ज्यादा लाओ और बिटिया को प्यार ही मत करो। आप बताओ मेरे बहनों और भाइयों, बेटियों के बिना दुनिया चल सकती है क्या? अरे आज मुझे बोल के बताओ, दुनिया चल सकती है क्या? बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे? चल ही नहीं सकती पूरी दुनिया। दुनिया चलाना तो स्त्री और पुरुष दोनों चाहिए और दोनों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। और इसलिए हमने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई। आप याद करो, कई बार बेटी इसलिए पैदा नहीं होने देते थे लोग कि बेटी पैदा हो गई तो शादी में दहेज का इंतजाम कौन करेगा, शहडोल में ऐसी परंपरा नहीं थी, लेकिन इसलिए बेटी पैदा मत होने दो। तो हमने तय किया कि मध्य प्रदेश में बेटियों की चिंता मत करना, अब मामा मुख्यमंत्री है, बेटियों की शादी सरकार करेगी, बेटी बोझ नहीं रहेगी, बेटी को वरदान। और 128 साल के बाद ओलंपिक्स में क्रिकेट की वापसी हुई। मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में हो रहे 141